हेलो, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव सेशन। बहुत ही अच्छी और इजी बच्चों के लिए एक चॉकलेट आज फिर से हम लेकर आए हैं, जो स्पेशल है बच्चों के लिए। अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में एक बार बताएं, और फटाफट से हम शुरू करेंगे अपनी रेसिपी। और थोड़े से फ्रेंड्स हमारे और जुड़ जाएँ तो हम जल्दी से अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं राखी खुराना दिल्ली से हूँ और आपको सिखाती हूँ होममेड चॉकलेट्स, जो बच्चों के लिए, गिफ्टिंग के लिए और आपके बिजनेस के लिए होती हैं। बहुत सारी आपको मैंने चॉकलेट सिखाई हैं जो आपको अमूल के YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच अमूल हमें इनवाइट करने के लिए, और आप सबके साथ हम जुड़ते हैं अमूल के माध्यम से। तो आज मैंने बनाई है ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट डार्क चॉकलेट, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है अपना कॉफ़ी पाउडर, और ये मैंने बनाई हुई है सुपरमैन शेप के अंदर। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी और बहुत ही कम, इस तरीके से बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत अच्छी सी हम चॉकलेट बना सकते हैं अपने छोटे छोटे से बच्चों के लिए, और गिफ्टिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। अगर कोई गेस्ट आए, आप सेल करें, तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। तो फटाफट से हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, और इसके लिए मैंने ली है अमूल की कंपाउंड, और इसको मैंने मेल्ट किया हुआ है 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में कुछ इस तरीके से, और साथ में मैंने लिया हुआ है ये अपना मेल्टर। जिसमें भी आपको अच्छा लगे आप अपनी चॉकलेट को अच्छे से उसमें मेल्ट कर सकते हैं। तो ये लिया हुआ है मैंने अपना मेल्टर, और इसमें भी थोड़ी सी चॉकलेट मैंने इस तरीके से मेल्ट करी हुई है। आपके पास जो भी चीज़ हो आप उसमें, या फिर डबल बॉयलर के मेथड से अपनी चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर सकते हैं। कोई भी चॉकलेट बनाते हुए आपको बहुत ध्यान देना है कि आपकी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हुई हो। तो ये मैंने इस तरीके का अपना बच्चों के लिए स्पेशल एक ये सुपरमैन का एक मोल्ड लिया हुआ है, आपको कहीं से भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है, सिर्फ आपको चॉकलेट खानी है, तो जो मोल्ड आपके पास हो आप वो मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बट बच्चों के लिए स्पेशल है, बच्चों को शेप्स जो होती हैं, चॉकलेट तो अच्छी लगती हैं, बट अगर उनकी पसंद की थोड़ी सी हम शेप, या फिर कोई कार्टून बना दें, या कोई इस तरीके का कोई हम बना दें, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैंने इसमें अपनी चॉकलेट, आप देख सकते हैं, मेल्ट करी हुई है, और इसके अंदर अब मैं मिलाने जा रही हूँ फटाफट से अपना कॉफ़ी पाउडर, और इस तरीके से आपको अपनी चॉकलेट को एक बारी अच्छे से मिक्स करना है। अगर बच्चों को आपको चॉकलेट कॉफ़ी पाउडर नहीं अच्छा लगता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और वैसे भी जो डार्क चॉकलेट है इसका फ्लेवर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और थोड़ी सी मिठास इसमें कम होती है। तो इसलिए जिनको थोड़ी सी ज़्यादा चीनी से या मीठे से परेशानी है वो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। अब इसमें मिलाने जा रही हूँ मैं छोटे वाला एक कॉफ़ी का पाउडर, इस तरीके से मैं अपना मिलाने जा रही हूँ कॉफ़ी का पाउडर, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। बहुत ही इजी और क्विक और एकदम पलक झपकाते ही जो रेसिपी है आप इसको कह सकते हैं। आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ये चॉकलेट है इस मोल्ड के अंदर बहुत अच्छे से चारों तरफ से जो लाइंस है इसमें बहुत अच्छे से कवर होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छी सी शेप जो है नज़र आए। इस तरीके से मैंने डाल दिए हैं, और थोड़े से हम इसमें डाल देंगे अपने बादाम, इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। और बरसाती मौसम है इसलिए आप ध्यान रखें कि जो भी नट्स इसमें यूज़ करेंगे, आप मूंगफली डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, जो भी नट्स आपको डालने हैं उसको पहले ही आप ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि आपके जो नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सिले हुए ना लगें। इस तरीके से बहुत क्विक रेसिपी है, सिर्फ मैंने चॉकलेट ली है, कॉफ़ी पाउडर लिया है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है, और हम सब शुरू करेंगे ऊपर से इसको पोर करना,
इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि कोशिश करेंगे हमारी चॉकलेट जो है ये बाहर ना जाए और इसकी शेप जो है अच्छे से आए। थोड़ी थोड़ी करके हम चॉकलेट जो है अपनी डालते जाएंगे इस तरीके से। कोई भी क्वेश्चन आप चॉकलेट के रिलेटेड पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी चॉकलेट को साथ साथ जो ये लाइन बनी हुई है इसको हम अच्छे से फिल करेंगे, ताकि कोई भी किनारा नहीं टूटे और ना ही हमारी चॉकलेट जो है वो ख़राब हो और इसकी शेप भी जो है अच्छे से आए। थोड़ा सा ध्यान रख के हमने अपनी इस चॉकलेट को अच्छे से फैला देना है। इस तरीके से मैंने अपनी ये चॉकलेट जो है चारों तरफ से डाल दी है। और जो ध्यान रखने वाली बात है, ये जो गर्दन वाला जो इसका पोर्शन है इसको आपको अच्छे से फिल करना है, नहीं तो चॉकलेट जो है आपकी टूट सकती है। आपको चॉकलेट बहुत कम या बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है, आपको अपने मोल्ड के हिसाब से अपनी चॉकलेट को इसके अंदर फिल करना है। और आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस, बटर एसेंस, बटर स्कॉच एसेंस, कोई भी एसेंस जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। बट डार्क चॉकलेट जो है उसके साथ कॉफ़ी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसकी जगह बादाम की जगह हेज़लनट डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बटर स्कॉच नट्स भी आते हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे किस तरीके से मैं अपनी चॉकलेट को अपने मोल्ड के अंदर डाल रही हूँ और अच्छे से इसको मुझे फिल करना है और इसको अच्छे से इस तरीके से अच्छे से इसको टैप करना है, ताकि कोई भी एयर बबल जो है मेरी चॉकलेट के अंदर नहीं रहे और अच्छे से मेरी चॉकलेट जो है वो सेट हो जाए इस तरीके से। अब आप ये देख सकते हैं चॉकलेट जो है बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से हमारी फैल चुकी है, और जो थोड़े थोड़े से किनारे हम यहाँ पर आ रहे हैं उसको हम अच्छे से क्लीन कर देंगे जब मेरी ये चॉकलेट जो है सेट हो जाएगी। इसको हम सेट करेंगे अब फ्रिज के अंदर, और 2 मिनट के बाद मैं फटाफट आती हूँ इसको फ्रिज में सेट होने के लिए। और साथ साथ जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मेरी चॉकलेट जो है ये होने गई हुई है फ्रिज के अंदर सेट, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास लाइफ में टाइम कम होता है तो चॉकलेट को मैं करूँगी अपने फ्रीज़र के अंदर सेट। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको सिंपल फ्रिज में भी रख सकते हैं। और थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये चॉकलेट जो होती है थोड़ी सी थिक है हमारा मोल्ड जो है, तो नॉर्मल चॉकलेट के हिसाब से थोड़ा सा टाइम जो है इस चॉकलेट में ज़्यादा लगेगा। और इसको डेकोरेट किया हुआ है साथ में मैंने अपने गोल्डन लस्टर के साथ। आपके पास कोई भी लस्टर हो आप अपनी चॉकलेट को उससे डेकोरेट कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मैं ये दिखा देती हूँ, इस तरीके से मैंने आज ये चॉकलेट बच्चों के लिए बनाई है इस तरीके से। और जब बरसाती चॉकलेट टूट भी गई है इस तरीके से मेरी, क्योंकि बरसाती मौसम होता है हमारी चॉकलेट के ऊपर जो है स्वेटिंग हो जाती है इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके के साथ में छोटे छोटे हमने ये पीसेस बना के रखे हुए हैं ये जो हमारे मोल्ड में थे, और इस तरीके से हमने ये सुपरमैन भी बना के रखा हुआ था। तो जिस हिसाब से भी आपको चॉकलेट्स चाहिए आप अपनी चॉकलेट को बना सकते हैं, अच्छे से उसको डीमोल्ड भी उसको कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारी चॉकलेट हमने बनाई थी। बट आजकल बहुत बरसाती मौसम है, आपको चॉकलेट को बहुत ज़्यादा केयरफुल अपना
तरीके से आपको रखना पड़ेगा। इसको अच्छे से जब ये आपकी चॉकलेट बन जाए तो एक बारी आप साफ तरीके से इस तरीके से आप टिश्यू पेपर लेंगे और अच्छे से इसको डैप कर देंगे। आप देखेंगे कि जब आप इसको फ्रिज से निकालेंगे तो चॉकलेट के ऊपर स्वेटिंग हो जाती है। हल्के हाथों से आपने अपने चॉकलेट को इस तरीके से करना है और उसके बाद आपने अच्छे से अपनी चॉकलेट को फॉयल में पैक करना है, और पैक करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रखिए या जिस भी बॉक्स में आपको गिफ्ट करना है अच्छे से उसको पैक करके आप उसको उस बॉक्स में डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में जब भी आप अपनी चॉकलेट यूज़ करेंगे, मेक श्योर कि आपकी चॉकलेट जो है हमेशा फ्रिज में ही स्टोर करेंगे और बनाने से पहले हमेशा उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आएंगे और 30 सेकेंड्स के लिए उसको ब्रेक कर करके आपको माइक्रोवेव में अच्छे से मेल्ट करना है। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी चॉकलेट जल सकती है, आपकी चॉकलेट ख़राब हो सकती है, थोड़ा सा जैसे बटर होता है उस तरीके से भी आपका चॉकलेट जो है वो थिक हो जाएगी और अच्छे से नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से मैंने ये बना रखी है अपनी ये चॉकलेट, और जो अभी चॉकलेट बनाई है वो मैंने सेट करने के लिए रखी हुई है, उसको भी हम डीमोल्ड करेंगे। जब भी आप चॉकलेट बनाएं, आपके हमेशा जो भी बर्तन होंगे और जो भी आपका सामान होगा बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, आपके हाथ बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए। जहाँ पर भी आपको चॉकलेट में एक बूंद भी पानी लगेगा आपकी चॉकलेट जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ अमूल की मेल्टेड चॉकलेट के अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा हमने डाला है बादाम, और आप चाहें तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने अमूल की कंपाउंड को लीजिए, उसको मेल्ट कीजिए और अपने मोल्ड के अंदर आप उसमें डालिए। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, फ्लेवर जो आपको पसंद हो वही आप ऑयल बेस, हमेशा जब भी आप चॉकलेट बनाएंगे तो हमेशा ऑयल बेस कलर या ऑयल बेस एसेंस ही होना चाहिए। अगर आप कोई दूसरा इसमें एसेंस या कलर डालेंगे तो चॉकलेट जो है आपकी ख़राब हो जाएगी, शेल्फ लाइफ उसकी नहीं रहेगी, और अगर आप स्टोर भी करते हैं तो भी चॉकलेट जो है आपकी ख़राब हो जाएगी। तो छोटे छोटे से ये टिप्स हैं, इसके साथ अगर आप करेंगे तो चॉकलेट आपकी बहुत अच्छी बनेगी और इसको आप काफ़ी टाइम तक खा सकते हैं, शेल्फ लाइफ आप इसकी बढ़ा सकते हैं। तो गर्मियों के मौसम में, बरसातों में थोड़ा सा जो शेल्फ़ लाइफ होती है चॉकलेट की या कंपाउंड जो आप मार्केट से लाते हैं कम हो जाती है क्योंकि वेदर ऐसा होता है, और सर्दियों में थोड़ा सा जो चॉकलेट है बनाना इजी लगता है और शेल्फ लाइफ भी उसकी बढ़ जाती है। तो कोई भी क्वेश्चन आप चॉकलेट से रिलेटेड अगर पूछना चाहें तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी चॉकलेट सेट हो रही है, जैसे ही चॉकलेट सेट होगी हम डी मोल्ड करके उसको फटाफट से हम थोड़ा सा उसको सजाएंगे अपने लस्टर के साथ। तो हर चॉकलेट को थोड़ा सा प्रीमियम लुक देने के लिए जो मेरे फेवरेट हैं वो हैं लस्टर, थोड़ा सा, हेलो देवी जी हेलो, तो थोड़ा सा उसमें मैं लस्टर लगाती हूँ जिससे मेरी चॉकलेट खूबसूरत बन जाती है, प्रीमियम बन जाती है। कोई भी लस्टर जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, ये मेरे पास कॉपर और गोल्डन है। तो इस तरीके से अगर आप चॉकलेट बनाते हैं, आपकी पसंद है, तो ये दो तीन चीज़ें थोड़ा सा लेके रखिए ताकि आप चॉकलेट जो है अच्छे से इंजॉय करें, खूबसूरती बनाए अपनी चॉकलेट्स की, और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, गिफ्ट देने में अच्छा लगेगा। और बहुत सारी मेरी रेसिपीज़ हैं जो आपको शुरू से अभी तक की जितने भी मेरी चॉकलेट्स हैं आप राखी खुराना जाएंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी बहुत इजीली, और आप देखेंगे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे राखी खुराना चॉकलेट बार 464, तो बहुत सारे चॉकलेट के आइडियाज़ हैं जो आपको मिल जाएंगे जिससे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, घर में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें कि सामान कहाँ से मिलता है, क्या करना है, आप मैसेंजर में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी साथ साथ आंसर्स देने की। हेलो सोनिया जी, तो पूरी कोशिश रहेगी साथ साथ आंसर्स देने की और बाद में भी आपको आंसर्स दे पाऊँ।
तो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर राखी खुराना। और मेरा पेज है चॉकलेट बार 464, उसको भी आप फॉलो कीजिए। बहुत सारे गिफ्टिंग आइडियाज़ हैं जो आपको मिलेंगे, कलरफुल चॉकलेट्स हैं, मोदक हैं, बहुत सारे हैं। तो राखी आने वाली है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि राखी के ऊपर स्पेशल चॉकलेट्स हम बनाएं जो आप गिफ्ट में अपने सिस्टर्स को, ब्रदर्स को दे सकते हैं, बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और अपनी जो बनाई हुई चॉकलेट्स होती हैं उसमें जो एक प्यार है वो अलग है आपके हाथों का। तो आप रेसिपी देखिए, बनाइए, मुझे टैग कीजिए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इजी से इजी रेसिपी और कम से कम सामान में मैं आपको सिखा सकूं। तो जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है आप ये देख सकते हैं, आज हमने ये अपनी सुपरमैन बनाई है जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। अगर लस्टर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आपकी चॉकलेट बहुत खूबसूरत बनने वाली है ब्राउन कलर की। और जिन बच्चों को मिल्क चॉकलेट अच्छी लगती है तो आप इसमें मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। सोनिया जी, अगर आपके पास ऑयल बेस कलर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वो ऑयल बेस कलर या एसेंस नहीं है तो आप उसको चॉकलेट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिए। उसके ऊपर आप देखेंगे अप्यूरा की फिलिंग जो है बहुत इजी है, उसके लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना। मैंने बहुत बार अपनी रेसिपीज़ में सोनिया जी बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप कोई भी अगर स्क्वायर आपके पास मोल्ड है या राउंड कलर का है, आपको उसमें कैविटी बनानी है चॉकलेट की। चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कीजिए और अपनी जो है आउटर कैविटी बनाइए चॉकलेट, उसमें अच्छे से डाल के उसको दोबारा से चॉकलेट को निकाल के और फिर से फ्रिज में रखिए। उसको दो बार आपको अच्छा, हाँ सोनिया जी, अगर ऑयल बेस है फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छे से आपको उसको कैविटी बनानी है और कैविटी बनाने के बाद आपको अपना अप्यूरा का जो भी आपके पास स्प्रेड है आप डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं और फिर से अपनी चॉकलेट के ऊपर उसको कवर कर सकते हैं। और कवर करने के बाद आपको फिर से उसको फ्रीजर में रखना है और अच्छे से देखना है कि आपकी चॉकलेट जो है सेट हो गई है या नहीं। और अगर आपको मान लो थोड़ा सा बनाना है आपको ट्रफल टाइप, तो आप अपना केक ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, अच्छे से क्रश कीजिए, उसके बीच में आप अपना स्प्रेड थोड़ा सा डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करके आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अप्यूरा के बहुत अच्छे अच्छे बनारसी पान का भी आता है, आप डायरेक्ट उसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप गुलकंद के अंदर भी थोड़ा सा वो स्प्रेड डाल के यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और खुशबू और फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये छोटी छोटी सी हमारी बातें हैं, इमेजिनेशन है। आप जितनी चॉकलेट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका हाथ जो है उतना ही खुलेगा और आपको चॉकलेट बनाना इजी लगेगा। दो बार भी अगर आपकी चॉकलेट नहीं बनती है तो तीसरी बार आप ट्राई कीजिए, चॉकलेट आपकी ज़रूर अच्छी बनेगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, छोटी छोटी सी आप चॉकलेट्स बनाइए और एक दो बनाइए अगर आप ज़्यादा नहीं खाना चाहते, तो आप देखेंगे आपका हाथ खुलते जा रहा है, आपको चॉकलेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं साथ साथ आंसर देती रहूँगी। मैसेंजर पे भी आप मेरे को पूछ सकते हैं और यहाँ पर भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो चॉकलेट को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मेरी चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगी। इस चॉकलेट को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है, ये चॉकलेट जो होती है इस तरीके से यहाँ से क्रैक हो सकती है, तो अपनी चॉकलेट को बहुत अच्छे से आपको इस तरीके से ध्यान रखना है जब हम इसको फिल करेंगे। और बरसाती मौसम है तो ज़्यादा सेट करने के बाद हम अपनी चॉकलेट को हिलाए डुलाएं नहीं, और कोशिश करें कि अगर आपको गिफ्ट देना है तो अच्छे से बॉक्स में उसको सीधे लेके जाएं। अगर हमारी चॉकलेट हिलेगी तो टूट सकती है, क्योंकि मौसम जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वाला है हमारी चॉकलेट के ऊपर। आप देख सकते हैं इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया था, बट इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी स्वेटिंग जो है वो हो रही है।
तो इसको अच्छे से इस तरीके से आपको पोंछना है और इसको क्लिंग रैप से अच्छे से इसको पैक करना है, और पैक करके इसको एयर टाइट कंटेनर में आपको बॉक्स में किसी अच्छे से फ्रिज में रखना है, और उसके बाद आपको जहाँ पर भी जैसे भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। तो चॉकलेट मैं अपनी देख के आती हूँ कि हमारी चॉकलेट बन गई है कि नहीं, और फिर मैं आपको बताती हूँ। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये चॉकलेट जो हैं अब हमारी बन गई हैं। आप इसको ज़रा सा टच करेंगे आपको पता चलेगा थोड़ी सी हार्ड हो गई हैं और ऊपर नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारी चॉकलेट जो है वो रेडी है। और इसको बहुत केयरफुली इसको निकाल लेते हैं हम इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको हाथ रखना है और हल्के हाथों से इसको इस तरीके से निकाल लेना है। तो आप ये देख सकते हैं बिना लस्टर लगाए भी हमारी चॉकलेट के अंदर कितनी शाइन है और कितनी खूबसूरत हमारी चॉकलेट बनी है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बहुत क्विक और इजी और सिंपल रेसिपी है। और थोड़ी सी ये हमारे इस तरीके से ये निकल रहे हैं, इसको हम निकाल देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये हमारी चॉकलेट जो मैंने अभी बनाई है कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आप लस्टर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और जितने भी आज मदर्स देख रही हैं अपने बच्चों को सरप्राइज़ देने के लिए, कहीं से भी बहुत इजीली ये आपको मोल्ड मिल जाएगा, और बहुत कॉस्टली भी नहीं होते हैं ये पीवीसी के मोल्ड, और बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं चॉकलेट कितनी खूबसूरत बनी हुई है इस तरीके से, और आप चाहे तो इस पर लस्टर लगा सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, और आप ये चॉकलेट की शाइन देख सकते हैं। और पूरा आप देखिए कि एक एक जो अंदर से मोल्ड जो हमने फिल किया था, शेप भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। और थोड़ा सा लस्टर मैं आपको इस पर लगा के दिखा देती हूँ, ये ऑलरेडी बहुत खूबसूरत लग रहा है तो इसलिए मैं इस वाले पे थोड़ा सा लस्टर लगा के दिखा देती हूँ। आपने थोड़ा सा मोटा, जब भी आप लस्टर लगाएंगे थोड़ा सा मोटा ब्रश लेना है, ये कॉपर वाला है, और इसको अच्छे से इस तरीके से आपने लगा देना है, तो थोड़ी सी शाइन जो है इसकी बढ़ जाएगी। और नहीं भी लस्टर है तो आप देख सकते हैं चॉकलेट कितनी खूबसूरत बनी है, और इस तरीके से आप गोल्डन लस्टर भी लगा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपनी चॉकलेट को फ्रिज में नहीं रखना सेट करने के लिए, नहीं तो आपकी चॉकलेट में जितना ज़्यादा आप सेट करने के लिए टाइम ज़्यादा लगाएंगे, मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते हैं आपको कोई भी चॉकलेट सेट करने के लिए, या 15 मिनट। अगर आप उससे ज़्यादा उसको फ्रीज़र में रखेंगे तो आपकी चॉकलेट के ऊपर इस मौसम में पक्का स्वेटिंग होगी, चॉकलेट जो है आपकी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों का, आपकी चॉकलेट जो है परफेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये मैंने कॉपर अपना लस्टर किया था, तो ये चॉकलेट छोटी सी बड़ी क्यूट सी है, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। इस तरीके से हम यहाँ रख देते हैं सजाने के लिए, और ये मैंने गोल्डन लस्टर लगाया था इस तरीके से। अगर आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ चॉकलेट मैंने अपनी यूज़ की थी, तब भी हमारी चॉकलेट की शाइन जो है बहुत अच्छी है, और खाने में भी, और डार्क चॉकलेट और कॉफ़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में ही बहुत अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी क्विक रेसिपी थी, सिर्फ चॉकलेट मेल्ट करी थी, थोड़े से उसमें डाले थे बादाम और थोड़ी सी डाली थी हमने कॉफ़ी, और ये चॉकलेट जो है हमारी बन के तैयार हो गई। तो जो जो अभी आए हैं वो देख सकते हैं कि ये चॉकलेट हमने जो है अभी बनाई हुई है, कोई लस्टर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, और इसकी आप शेप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी बनी है। तो कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें फिर से आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट रेसिपी बहुत अच्छी सी हम लेकर आएंगे चॉकलेट के साथ।
तो थैंक यू सो मच, आप सब आते हैं, मोटिवेट करते हैं और मेरा लाइव हमेशा की तरह देखते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट और करने के लिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर राखी खुराना चॉकलेट बार 464। और कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे एक चॉकलेट की ईजी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो ये चॉकलेट अभी बनाई है हमने, और ये वाली चॉकलेट जो है हमने पहले बना के इस तरीके से, ये वाली चॉकलेट जो है मैंने बना के रखी थी। और जब आप अपनी चॉकलेट बनाएंगे तो थोड़ा सा फ्रिज में ही रख के खाइए, क्योंकि चॉकलेट की थोड़ी सी क्रंचीनेस है वो मुंह में आएगी और फ्लेवर आपका अच्छा लगेगा। नहीं तो गर्मियों में या बरसातों में आप चॉकलेट को पहले निकाल के खाएंगे तो थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है, तो वो इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर आप चॉकलेट को अगर फ्रिज में से रख के निकाल के खाएंगे तो चॉकलेट जो है बहुत अच्छी बनेगी। तो ये हमारे सुपरमैन हमने बच्चों के लिए स्पेशल बनाए थे आज इस तरीके से। और फिर से हम नई रेसिपी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच दीपा जी, अभिषेक जी, अमूल, और यहाँ आने के लिए आप सबका थैंक्स। आप आए, आपने एंजॉय किया कि नहीं किया, मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो थैंक्स सो मच, फिर से मिलेंगे बहुत ईजी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।